जहरीली हवा से दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल। राजधानी में 5वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। राजधानी दिल्ली में तोड़फोड़ और निर्माणों के काम पर भी रोक। नासा ने जारी की प्रदूषण की तस्वीर। दिल्ली BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के निजी 4 पहिया वाहनों पर रोक। सड़कों पर उतरे तो ₹20,000 का कटेगा चालान। नोएडा में माइनिंग संबंधित सभी गतिविधियों पर लगी रोक। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम किए जाएंगे अधिकतर काम। कम दूरी के लिए भी साइकिल के इस्तेमाल पर जोर। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम के जीवन से संबंधित झांकियां बनेगी आकर्षण का केंद्र। रामचरितमानस के आधार पर बनाई जाएगी झांकी। रामलीला में विदेशी कलाकार भी लेंगे हिस्सा। अयोध्या दीपोत्सव के लिए खासतौर पर लॉन्च किया गया होली अयोध्या। आप देश में कहीं से भी घर बैठे अपने नाम से जलवा सकेंगे लोग दिया। दिए के साथ प्रसाद भी घर भेजने की तैयारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का UAE में अबुधाबी का दौरा। BAPS के हिंदू मंदिर में पहुंचे पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में लोगों को लगातार मिल रही नौकरियां। मराठा आरक्षण मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मनोज अरांगे पाटिल ने खत्म किया अनशन। 9 दिनों से अनशन पर थे मनोज अरांगे। सरकार को मामला सुलझाने के लिए दिया 2 महीने का वक्त। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर होगी चर्चा। 8 दिसंबर की तारीख तय। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का सवाल। कहा मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि वे अडानी के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का केजरीवाल पर निशाना। कहा विरोधी लाख गाली दे मैं रुकने वाला नहीं। दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में पीएम मोदी की हुंकार। कांकेर में विजय संकल्प रैली। कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम ने कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक कांकेर में भी दिख रही है। चल रही छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने राजस्थान के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी नड्डा राजनाथ शाह गडकरी योगी शिवराज और हेमंत बिस्वा टॉप पर। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने किया चुनाव प्रचार। पार्टी के लिए मांगा वोट। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने राजनांदगांव में कहा हार टालने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। सीएम बघेल ने कहा बड़े बड़े बक्सों के साथ पहुंचा सीआरपीएफ का विशेष विमान। चुनाव आयोग करे जांच। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में मिले भूपेश बघेल और हिमंता बिस्वा सरमा। दोनों ने एक दूसरे से की बात और मिलाया हाथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कांग्रेस पर करारा वार। कहा आजकल इंडिया गठबंधन में नहीं हो रहा है कोई काम। नीतीश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी की प्रतिक्रिया। कहा राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की मजबूती रहेगी बरकरार।
बीजेपी ने कहा इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे के बारात लेकर घूम रही है, जिसके कारण नीतीश बोल रहे हैं कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। पटना में सीपीआई ने बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली की, सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीबी आनंद बोस से मिली, कहा विजयदशमी के बाद मुलाकात की है परंपरा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बुलाई बैठक, ग्राप 3 को कड़ाई से लागू करने को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का रिकॉर्ड सर, आनंद विहार में एक्यूआई 740 तक पहुंचा, नोएडा में एक्यूआई 678 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, प्रशासन ने कचरा जलाने पर लगाई रोक। बुरे वक्त में बीमा पॉलिसी बनी मददगार, नोएडा में दिवंगत सफाई कर्मचारी कवर पाल ने 9.5 लाख का लिया था पर्सनल लोन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से चुकाई लोन की बची रकम। लोन लेते वक्त कवर पाल ने बीमा पॉलिसी ली थी, लोन की बची राशि चुकाने के साथ एसबीआई अधिकारियों ने बची हुई बीमा राशि का चेक नॉमिनी को सौंपा। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 35 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र, अमित शाह कर सकते हैं जारी। करनाल में गृहमंत्री अमित शाह ने अंत्योदय सम्मेलन में लिया भाग, बोले हरियाणा की भूमि किसानों जवानों और पहलवानों की भूमि, भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश इसी धरती से दिया। चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2019 के बाद बॉन्ड्स के जरिए मिले चंदे का आंकड़ा मांगा, आयोग सीलबंद जानकारी 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को देगा। ईडी के समन को गैरकानूनी बताने के बाद दिल्ली के सीएम पहुंचे एमपी, सिंगरौली में किया रोड शो। सिंगरौली में गरजे केजरीवाल, कहा केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। रामलीला मैदान के स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सतेंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर, रामलीला मैदान के स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सतेंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ईडी को खत लिखकर नोटिस को बताया गैरकानूनी। केजरीवाल का ईडी को जवाब, नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित, नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। केजरीवाल का आरोप नोटिस में साफ नहीं, किस मामले में बुलाया, सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल को फिर से समन भेज सकती है ईडी। दिल्ली में राजघाट के पास बीजेपी का प्रदर्शन, शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को भेजे गए समन को ठहराया सही, हरीश खुराना बोले केजरीवाल को देने होंगे बहुत से सवालों के जवाब। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने पूछे सवाल, कहा क्या जांच एजेंसियों पर केजरीवाल को भरोसा नहीं। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है, और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। कपिल मिश्रा ने भी किया केजरीवाल परिवार, कहा निर्णायक मोड़ पर पहुंची भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आजम खान, इनको एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।
दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी का छापा, 12 ठिकानों पर रेड। राजकुमार आनंद के खिलाफ कस्टम ड्यूटी मामले में झूठी जानकारी देने और अंतर्राष्ट्रीय हवाला मामले में जांच, डीआरआई के पास दर्ज हुई थी शिकायत। राजकुमार राय के खिलाफ शिकायतों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, आनंद संभाल रहे मनीष सिसोदिया के कई विभाग। पटना में 1,20,000 नए शिक्षकों की बहाली के बांटे गए नियुक्ति पत्र, गांधी मैदान में हुआ कार्यक्रम। 1,20,000 नए शिक्षकों में 88% बिहार के, 12% युवा दूसरे राज्यों के। नीतीश कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा आज केंद्र में जो सरकार है उसको देश से कोई नहीं लेना देना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा हम लोग नौकरी बांटेंगे और वहां बीजेपी वाले सीबीआर ईडी की रेड करवाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। गोपालगंज के 700 युवाओं को सीएम नीतीश से मिला नियुक्ति पत्र, शिक्षकों के बने युवाओं के चेहरे पर दिखी खुशी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के मामले में रखा अपना पक्ष। महुआ मोइत्रा ने समिति के सामने अपने जवाब में कहा पर्सनल लाइफ को बनाया जा रहा है मुद्दा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की जांच पर उठाए सवाल, कहा संसदीय समिति को नहीं जांच एजेंसियों को है ऐसे मामलों की पड़ताल का अधिकार। महुआ मोइत्रा को मिला ममता बनर्जी का साथ, कहा यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई। जासूसी के आरोपों पर केंद्र की कार्रवाई, एप्पल कंपनी से मांगा जवाब, पूछा किस आधार पर भेजे सरकारी जासूसों से जुड़े संदेश, जल्द से जल्द दे जवाब। राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा, भूपालपल्ली के अंबातीपल्ली में महिला सभा को किया संबोधित। तेलंगाना में राहुल गांधी ने किए बड़े चुनावी वादे, महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाने और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का किया वादा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने फिर किया किसानों की कर्ज माफी का वादा, 37 लाख से ज्यादा किसानों को रिझाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का समय खत्म, राज्य में 7 और 17 नवम्बर को मतदान। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का समय खत्म, 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग। हरदोई में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत, 5 महिलाओं को दी ट्रैक्टर की चाबी। चंडीगढ़ में आयोजित होने जा रहा सिंगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट को लेकर जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। लखनऊ में सरकार लोगों को कम दामों पर बेच रही है प्याज, प्याज के बड़े भावों से लोगों को राहत दिलाने का प्रयास। शाजापुर में बच्चों ने बनाई खास रंगोली, लोगों को रंगोली के जरिए वोटिंग के लिए किया जागरूक। अहमदाबाद में 2 इंजीनियर दोस्तों ने बनाई इलेक्ट्रिक रेसिंग कार, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है कार। खूंटी में मंत्री रामेश्वर उतराव ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। सिरसा में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही हरकत में आई सीएम फ्लाइंग टीम, दुकानों पर खाने की चीजों में कर रही है मिलावट की जांच। अहमदाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया गांधी आश्रम का दौरा, गांधी जी से जुड़ी चीजों के बारे में ली जानकारी। भरतपुर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अनोखे ढंग नामांकन दाखिल करने पहुंचे, नेम सिंह ने रास्ते में की दंडवत परिक्रमा। समस्तीपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, निकाली गई जागरूकता रथ यात्रा।
फतेहपुर में किसान 12 हेक्टेयर भूमि पर कर रहा है ज्वार की खेती, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखने का मकसद। चंदौली में जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों को कर रहा है जागरूक, पराली जलाने के समझाए जा रहे हैं नुकसान। अयोध्या में पुलिस कंट्रोल रूम का हुआ भूमि पूजन, वैदिक ब्रह्मांड की मौजूदगी में हुआ पूजा पाठ। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, कहा मेरे रहते किसी को नहीं होगी कोई समस्या। कानपुर में छात्र की हत्या का खुलासा करने में मदद करने वाले गार्ड को पुलिस ने किया सम्मानित, गार्ड की मदद से 6 घंटे में सॉल्व हुआ था केस। श्रीलंका पर टीम इंडिया ने बजाया जीत का डंका, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचा भारत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रनों के भारी अंतर से हराया, लगातार 7वीं जीत दर्ज की। जीत के लिए श्रीलंका को बनाने थे 358 रन, श्रीलंका की टीम 20 ओवर के अंदर ही 55 रन पर हुई ऑल आउट। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने किया कमाल, 18 रन देकर झटके श्रीलंका के 5 विकेट। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटका कर दिया कमाल, बुमराह और जडेजा ने 1-1 विकेट चटके। मुंबई में क्रिकेट फैंस ने शानदार जीत का मनाया जश्न, शहर शहर दिखी खुशी की लहर। टॉस जीतकर श्रीलंका ने चुनी गेंदबाजी, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर बनाए 357 रन। रोहित शर्मा 4 रन बनाकर हुए आउट, विराट कोहली शुभमन गिल ने संभाली पारी, दोनों ने बनाई हाफ सेंचुरी। शुभमन गिल ने 92 गेंदों में बनाए 92 रन, कोहली ने 94 गेंदों में बनाए 88 रन। श्रेयस अय्यर ने दिया 82 रनों का योगदान, रविंद्र जडेजा ने खेली 35 रनों की उपयोगी पारी। इसराइल हमास युद्ध का आज 28वां दिन, गाजा में अब तक 8,800 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। इसराइल और हमास के बीच युद्ध की भव्यावह तस्वीरें आई सामने, हमलों से जगमगा उठा गाजा का आकाश। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का जारी किया एक वीडियो, वीडियो में उसने अपने वायुसेना और नौसेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया।